तो लखनऊ से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अलाया अपार्टमेंट की बिल्डिंग गिरने का मामला, आपको बता दें कि बिल्डिंग के मलबे में महिला फंसी है। बिल्डिंग की चौथी मंजिल के किचन में महिला फंसी है और महिला की बहन ने बताया फोन पर बात हो रही है। मलबे में फंसी बहन से फोन पर बात बहन ने ये बताया है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। महिला की बहन ने ये बताया है कि फोन पर बात हो रही है, मलबे में फंसी बहन से फोन पर बात हो रही है। लखनऊ से जानकारी, अलाया अपार्टमेंट की बिल्डिंग गिरने का मामला और बिल्डिंग के मलबे में महिला फंसी है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बिल्डिंग की चौथी मंजिल के किचन में महिला है और महिला की बहन ने ये बताया है कि फोन पर बातचीत हो रही है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। बिल्डिंग गिरने का ये पूरा मामला, बिल्डिंग की चौथी मंजिल के किचन में महिला फंसी है और कई लोगों के मरने की भी खबर सामने आई, कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। यूपी के लखनऊ से जानकारी आपको दे रहे हैं। बिल्डिंग गिरने का मामला, उससे जुड़ी हुई ये जरूरी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्डिंग के मलबे में महिला फंसी है, ये जरूरी अपडेट। बिल्डिंग की चौथी मंजिल के किचन में महिला है और महिला की बहन ने बताया कि फोन पर बात हो रही है। तो यूपी के लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अलाया अपार्टमेंट की बिल्डिंग गिरने का मामला, इससे जुड़ी हुई ये अपडेट। कई लोगों की मौत की खबर सामने आई और कई लोग इसमें फंसे हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दीपक पांडे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं लखनऊ से, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। दीपक, अभी क्या ताजा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर के, एक महिला फंसी हुई है, इसको लेकर के क्या जानकारी अभी आपके पास? जी आयुषी, बता दें हजरतगंज इलाके में, राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में वजीर हसन रोड पर जो अचानक कल अलाया अपार्टमेंट गिर जाता है और देखते ही देखते जमींदोज हो जाता है। 5 मंजिला इमारत अगर अचानक गिर जाए तो कहीं ना कहीं जो आसपास के इलाके हैं उसमें कहीं ना कहीं आपत और तनाव का भी माहौल देखने को मिलता है। तो इसी के जरिए आपको बताते चले कि कल जो अपार्टमेंट में जो हादसा हुआ, ये कहीं ना कहीं बड़ा हादसा है। और आपको बताते कि अचानक जो ये हादसा हुआ, इसमें कई परिवारों के दबे होने की भी सूचना मिल रही। और साथ ही साथ आपको अगर ताजा अपडेट की बात की जाए तो लगभग 14 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है और इनका इलाज सिविल अस्पताल में चल रहा है। और वही बात की जाए स्वास्थ्य प्रशासन की तरफ से भी, तो 40 बेडों को रिजर्व कर लिया गया। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल संज्ञान लेते हुए घटना को देखते हुए तमाम आला अधिकारी, वो चाहे प्रमुख सचिव संजय प्रसाद हो या लखनऊ के DGP हो या एसीएसओम अवनीश अवस्थी, जो इस टाइम मुख्यमंत्री के सलाहकार भी हैं, वो भी मौजूद थे और तमाम वो आला अधिकारी मौजूद थे। लेकिन बात की जाए आखिर ये बिल्डिंग किसकी थी और किसने बनवाया था, आखिर ये बिल्डिंग कैसे बनी थी, तो जिस तरह से ये बिल्डिंग की बात की जाए तो अलाया अपार्टमेंट 5 मंजिल की बिल्डिंग थी और इस पे 9 इंची के 2-2 पिलर दिए गए थे। आखिर 5 मंजिल की बिल्डिंग पर अगर 9-9 इंच के पिलर दिए जाएंगे तो आखिर ये बिल्डिंग कब तक रुकी रहेगी और कब तक नहीं गिरेगी? और बात की जाए जो जिम्मेदार अधिकारी लखनऊ विकास प्राधिकरण के, आखिर उनको क्यों नहीं दिखाई देता? आंखें मूंदे रहते हैं जब तक हादसा हो नहीं जाता या हादसे का इंतजार करते रहते हैं तब कार्रवाई की बात करते हैं। लेकिन जो ये हादसा हुआ है, राजधानी लखनऊ की बात करें तो बड़ी ये अपडेट दे रहे हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से ये हादसा हुआ है, आने वाले दिनों में अगर लखनऊ विकास प्राधिकरण कार्रवाई नहीं करता है, तमाम शहरों, राजधानी लखनऊ में ऐसे 100-1000 अपार्टमेंट बने तने खड़े हैं, कहीं ना कहीं वो हादसों की दावत दे रहे हैं। तो आने वाले समय में अगर लखनऊ विकास प्राधिकरण कार्रवाई नहीं करता तो ऐसे तमाम मंजर देखने को मिलेंगे जिस तरह से अलाया अपार्टमेंट देखने को मिल रहा है। और आपको बताते चले अलाया अपार्टमेंट यजदान बिल्डर के साठगांठ से ही ये अलाया अपार्टमेंट चल रहा है। और साथ ही साथ बता दें कि ये बिल्डिंग जो है मेरठ के पूर्व कैबिनेट मंत्री साहिद मंजूर के बेटे के नाम से है, बिनवासिया के नाम से है, जिसको मेरठ पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया और लखनऊ लाया जा रहा है। और उसके इस चीज के बाद पूछताछ भी की जाएगी, आखिर मामले में देखा जाएगा और तमाम वो कदम भी उठाए जाएंगे, कहाँ कमी रह गई, आखिर बिल्डिंग में क्या कमी थी। और बता दें कि बिल्डिंग में सबसे बड़ी बात है कि बिल्डिंग कमजोर होने के बाद पार्किंग खोदी जा रही थी। आप बताइए कि अगर
बिल्डिंग कमजोर है तो उसमें कहाँ से पार्किंग निकाली जाएगी। 9 इंची के पिलर पे बिल्डिंग बनाई गई थी, 5 मंजिला इमारत ढह जाती है और पार्किंग में काम चल रहा होता है, लेकिन तत्काल प्रभाव से जब बिल्डिंग गिरती है तो जो परिवार के लोग हैं, चाहे जिशान हैदर, कांग्रेस के प्रवक्ता जिशान हैदर हो, या तमाम वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, या तमाम आम आदमी जो उस फ्लैट में रहता था, अचानक गिरती है और काफी लोग मलबे में फंसे रहते हैं। बिल्कुल दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ। तो लखनऊ से जानकारी दे दें, अलाया अपार्टमेंट की बिल्डिंग गिरने का मामला और अब तक 14 लोगों को सकुशल निकाला गया है, ये जरूरी अपडेट आपको दे रहे हैं। 5 मंजिला अपार्टमेंट अलाया की, रात से ही वहां पर रेस्क्यू चल रहा है। प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी, मंडलायुक्त, डीएम भी मौके पर मौजूद है और भारी पुलिस बल के साथ एसडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू कर रही है। अपार्टमेंट में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका बताई जा रही है। तो लखनऊ से जानकारी, जरूरी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अब तक 14 लोगों को सकुशल निकाला जा चुका है। 5 मंजिला अपार्टमेंट अलाया की रात से ही रेस्क्यू चल रहा है। प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी, मंडलायुक्त, डीएम भी मौके पर मौजूद है और भारी पुलिस बल के साथ एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है। अपार्टमेंट में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका बताई जा रही है। दीपक देखिए, 14 लोगों को सकुशल निकाल लिया गया है और ये बताइए, जो लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं उनकी स्थिति क्या बनी हुई है? जी बता दें, 14 लोगों को जो घायल थे निकाला जा चुका है और उनका सिविल अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। और इस दौरान चाहे बात की जाए केजीएमयू के स्वास्थ्य विभाग की टीम हो या मेदांता की, उनकी देखरेख में लगातार निगरानी की जा रही है। और साथ ही साथ बता दें कि जो घायलों को निकाला गया, अभी उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है, क्योंकि अभी जो ऑफिशियल किसी तरह से कोई बयान नहीं आया, तो जो घायलों का इलाज जारी है और लगातार सरकार की तरफ से भी दिशा निर्देश दिया जा रहा है। और बात की जाए एनडीआरएफ की, तो एनडीआरएफ भी लगातार मलबे को हटा रही है और जितना हो सकता है लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है और उन हॉस्पिटल में भी एडमिट कराया जा रहा है। और साथ ही साथ अभी और भी कार्य करने बाकी हैं, क्योंकि मलबे में अभी काफी लोगों के फंसे होने की आशंका है, क्योंकि 5 मंजिला इमारत है, कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा परिवार रहता होगा। तो अब आने वाले समय में जब पूरा कार्य हो सकेगा तो पता चलेगा आखिर कितने लोग थे, आखिर कितने लोग मलबे में फंसे हुए थे, कितनों का इलाज हो रहा और कितने सुरक्षित बाहर निकले, ये सब तमाम बातें सामने निकल कर आएंगी। बिल्कुल दीपक, देखिए इस मामले में अभी ये भी सामने निकल करके आ रहा है कि एक महिला फंसी हुई है और किस हिसाब से अभी उसको निकालने की कोशिश की जा रही है, उसकी बहन से फोन पर भी बातचीत हो रही है। जी बता दें, लगातार एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए नजर आ रही है। लगभग मंगलवार को 6:45 पर जब ये अपार्टमेंट गिरता है तो तत्काल प्रभाव से जो एनडीआरएफ हो, चाहे जो राहत पीड़ित लोग हैं या जो रेस्क्यू वाले लोग हैं, वो पहुंचते हैं और तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करना शुरू करते हैं। और बात की जाए तो जिस तरह से अगर बिल्डिंग गिरती है तो बिल्डिंग के सामने से रास्ता ना हो पाना एक अपने आप में संदेहजनक मामला है। तो इसको लेकर पीछे से लोग जाते हैं और बगल वाले की दीवार तोड़ी जाती है, उसके बाद लोग पहुंचते हैं, एनडीआरएफ की टीम पहुंचती है और मलबे को हटाने की शुरुआत करती है और लगातार कार्रवाई भी कर रही है और मलबे को हटा रही है। और एनडीआरएफ हो, चाहे पुलिस के लोग हो, चाहे सेना के लोग हैं, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में अपना काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ बता दें कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक भी घटनास्थल पर पहुंचते हैं, उन्होंने भी संवेदना व्यक्त की और साथ ही साथ कहा है कि जो भी हो सकता है पूरी तरह से रेस्क्यू के लिए सरकार तैयार है और सरकार के लोग तैयार हैं, तमाम आला अफसर तैयार हैं, लगातार लोग रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं और लगातार अपडेट भी कर रहे हैं और तमाम वो चीजें लाया जा रहा है, चाहे वो बात की जाए लाइटों का या तमाम वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो, चाहे कटर हो, दीवालों को भी काटा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी इसमें घटनास्थल की बात की जाए तो जो लखनऊ विकास प्राधिकरण का लगातार कमजोर दिखाई देना कहीं ना कहीं अपने आप में संदेहजनक है, क्योंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण के माध्यम से ऐसे तमाम वो फ्लैट बनते हैं, चाहे याजदान बिल्डिंग की बात की जाए तो याजदान बिल्डिंग इससे पहले भी एक नजूल की जमीन पर बनी थी जिसको जमींदोज किया गया था लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा। लेकिन ऐसे और भी शहर में हजारों अपार्टमेंट मिल जाएंगे जो विपरीत मानचित्र और विपरीत नक्शों और कमजोर तल पर बने हुए हैं, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं होती। आखिर क्या वजह है कार्रवाई नहीं होती, जिम्मेदार आंखें मूंदे रहते हैं। बिल्कुल दीपक, आप आगे भी नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यार रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।